जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंगल देव का राशि परिवर्तन होने वाला है 1 जुलाई 2023 की मध्य रात्रि को और 18 अगस्त तक। लगभग 50 दिन तक मंगल अब आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा ये मैं आपको बताऊंगा कि मंगल अभी तक चल रहे थे नीच के होकर सप्तम भाव में, अब वो अष्टम भाव में अपने मित्र सूर्य की राशि में चलेंगे। वहीं अगर हम देखें तो इसके सामने शनि भी होंगे और बृहस्पति की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय की कि मंगल ग्रह सूर्य की राशि में कैसा महसूस करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि राशि विशेष की बात है। आप ये देखिए कि ब्रह्मांड के अंदर प्लेनेट गोचर कर रहा है, मंगल चक्कर लगा रहा है, मंगल गति से अपनी चल रहा है और गति से चलते चलते वो सूर्य की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। अब सूर्य कौन है? सूर्य राजा का प्रतीक है, मंगल सेनापति है, मंगल ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। यानी कहीं ना कहीं मंगल अपने मित्र की राशि में है। मंगल एक सर्वशक्तिशाली ग्रह सूर्य की राशि के अंदर प्रवेश करेगा जिसको ग्रहों का राजा कहा गया। यानी कहीं ना कहीं मंगल मजबूत है। मंगल को लगता है कि मैं अब ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर प्रवेश कर गया हूँ जो राजा है। यानी कहीं ना कहीं मेरा आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, मैं स्वास्थ्य के तौर पर अच्छा महसूस करूंगा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, मेरे भीतर से डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब राजा के घर में पहुंच जाऊंगा तो राजा से बड़ा कोई नहीं। इसका मतलब इस दौरान सोच और विचार भी उच्च तरीके के होंगे, आगे बढ़ने की प्रेरणा स्रोत भी इस दौरान उच्च तरीके के होंगे, नए नए लोगों से मिलना, बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना, अधिकारियों से संपर्क बनाना, ये इसी कॉम्बिनेशन में आता है। और मंगल एक निर्भीक प्लेनेट है जो डरता नहीं है और राजा को ऐसे लोग पसंद हैं जो उनके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए सूर्य की राशि में बैठकर मंगल कभी भी हो तो एक योग कारक स्थिति अकेला पैदा करने में सक्षम होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सिंह लगन की कुंडली के लिए मंगल योग कारक है, कि उसके लिए वो परम मित्र भी है, योग कारक भी है। इसलिए सूर्य की राशि में मंगल का जाना कहीं ना कहीं बहुत प्रबल माना जाता है। अब वो मंगल ग्रह 8वें घर के अंदर गोचर करता है तो सबसे पहली बात वो कहता है कि इस दौरान आप जिस काम के प्रति एनर्जी लगा रहे हो उसमें ये अवश्य ध्यान रखें कि मुझे अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है, गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना, गलत जगह उस एनर्जी को खर्च नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान आपको यहाँ रखना होगा क्योंकि 8वें घर में मंगल आता तो बहुत बार व्यक्ति अपनी ही गलती से, अपनी ही जल्दबाजी, अपनी ही क्रोध की वजह से अपना नुकसान कर लेता है। कि क्या होता है, लोग बाग बड़े क्विक डिसीजन लेने शुरू कर देते हैं क्योंकि मंगल क्या है, इसके पास धैर्य की कमी होती है। तो धैर्य की कमी आपको नहीं रखनी है, धैर्य बनाकर रखना है, अदरवाइज मंगल जल्दबाजी की वजह से आपसे गलती करा सकता है। मंगल 8वें घर में बैठा और अष्टम भाव सदैव ही अड़चन, दुविधा और परेशानी का भाव है। यानी आसान नहीं है मंगल का यहाँ पर जाकर रिजल्ट देना, यानी एफर्ट्स लगेंगे। लेकिन बात यही है कि 50 दिन का ये ट्रांजिट है, मंगल सिंह राशि में आ गए हैं, अब मुझे अपनी एनर्जी को सही जगह लगा लिया तो बहुत अच्छी बात है, और एनर्जी को सही जगह नहीं लगा पाया तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। अब मंगल 8वें घर से बैठकर एकादश भाव को दृष्टि दे रहा है, यानी लाभ भाव पर पड़ रही अपने ही घर पे दृष्टि लाभ को सिक्योर करती है। कि कुछ भी है, मेहनत कितनी भी होगी लेकिन सिक्योरिटी तो हो गई कि हाँ भाई लाभ जरूर मिलेगा। किसी प्रकार का पैसा रुका हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, पैसे आने के सोर्स बनते हैं कि अब आएगा लेकिन वो आता नहीं है, किसी ना किसी बहाने बन जाते हैं लोगों को देने वाले के, तब दे दूंगा तब दे दूंगा, तो यहाँ सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के संकेत है। प्रमोशन ड्यू है, अचानक से प्रमोशन बढ़ने के संकेत है क्योंकि एकादश का मालिक अष्टम में बैठा है तो इस दौरान जो भी लाभ होगा वो सडन होगा। आपको अचानक से ही मैसेज आएगा, अचानक से ही कॉल आएगा, अचानक से ही आपकी बात बनेगी, तभी आपको होगा कि जी आपका ये काम हो गया है, आपका ये लाभ सिक्योर हो गया है, आपकी ये तरक्की हो गई, आपको ये पोस्ट मिल गई है। क्योंकि एकादश को अपने ही घर को देख रहा है, यानी व्यक्ति सुख लेने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए पूर्ण मेहनत कर रहा है, उसको लाभ भी मिलेगा। अब बृहस्पति की दृष्टि इस पे पड़ रही है, इसका मतलब क्या है, बृहस्पति कौन है, 12वें और 3रे का मालिक, यानी लाभ प्राप्ति के लिए, मेहनत करने के लिए ट्रैवलिंग्स करनी पड़ सकती है, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, स्थान बदलना पड़ सकता है, ट्रैवलिंग्स बढ़ सकती है, ये बृहस्पति का सपोर्ट है। लेकिन एज ए धन कारक होने के कारण बृहस्पति मंगल को सहयोग कर रहा है। अब ये बृहस्पति मंगल की राशि में है, मंगल यहाँ बैठा और बृहस्पति उसको देख रहा है,
यानी इस दौरान अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी आपका मैटर चल रहा है जो सॉल्व नहीं हो रहा, जिसमें विघ्न परेशानी आ रही है, तो हो जाएगा। आप चाहें तो इस दौरान प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मंगल बृहस्पति का सहयोग आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है, तो एक अच्छी स्थिति हमें यहाँ से दिखाई दी है। अब मंगल के अपोजिशन में शनि है। अब सबसे पहली बात, अगर मंगल यहाँ से बैठकर धन भाव को देख रहा है, यानी पहले धन का भाव सिक्योर किया, तो यहाँ से बैठकर वो धन के स्वामी को भी देख रहा है, शनि को। यानी मंगल का शनि को देखना कहीं ना कहीं भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कार्यों से धन मिलना, पैतृक संपत्ति को बेचकर धन मिलना, परिवार से हिस्सा मिल जाना, तो उसमें आपको धन मिल गया, वो भी इसी स्थिति से ही देखा जाता है। शनि और मंगल दोनों ग्रह परस्पर दृष्टि देते हैं एकादश भाव को, यानी 11वें घर पर एक दोहरा गोचर पड़ रहा है। एक मंगल जो अपनी ही राशि को देख रहा है, एक शनि जो स्वयं धन भाव में बैठा है। यानी फिर से एक इंडिकेशंस निकल के आया कि भाई 11th हाउस स्ट्रांग हो गया, और जब 11वां घर स्ट्रांग हुआ है तो 11वें घर में बहुत मोटे तौर पे लाभ का घर है, वृद्धि का घर है, प्राप्तियों का घर है, इनकम का घर है, प्रमोशन का घर है 11th हाउस। यानी यहाँ पर ग्रह की दृष्टि ये बताती है कि मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि मैं इस दौरान अवश्य ही सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाऊँगा, लाभ बढ़ाऊँगा, नई नौकरी दिलाऊँगा, नया व्यापार दिलाऊँगा, काम में तरक्की दिलाऊँगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाऊँगा जीवन के अंदर। यानी मंगल और शनि को आप यहाँ खराब ना माने। हाँ, ये दोनों स्वभाव से थोड़े से ब्लंट हैं। अब दूसरा घर वाणी का भी है, वहाँ शनि बैठा और मंगल इसको देख रहा। कोशिश करें कठोर वाणी का प्रयोग ना करें, कोशिश करें जीवन में ये ध्यान रखें कि आप ऐसा कोई बर्ताव ना करें जो किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के लिए दुखदायी हो जाए या उसको किसी प्रकार की चिंता में डाल दे। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी वाणी अपनी दिनचर्या पर ध्यान रखें, बोलने से पहले सोचें, बस इतना ध्यान रखना है। और आप देखिएगा कि मकर राशि के जातकों के लिए ये मंगल का ट्रांजिट अपने आप में बहुत उपयोगी रहेगा और अवश्य ही सोर्स ऑफ इनकम या लाभ के रास्ते बढ़ेंगे। जय श्री राम।